वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल दिस आई किरण अगर आपने मुझे अभी तक Instagram पे फॉलो नहीं किया है देन डू एंड फॉलो मी और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है देन वेट क्या कर रहे हो यार जल्दी से कर लो सो so गाइस आप सभी जानते हैं कि अभी ना वेडिंग सीजन चल रहा है और बहुत सारी शादियां हो रही हैं आपको भी आए नो तो तीन चार इनविटेशंस तो आ ही गए होंगे सो गाइज वेडिंग सीजन में जब भी हमारी गर्ल्स की तो रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमारी स्किन एकदम फ्लॉलेस रहे पिम्पल फ्री रहे और ग्लोइंग रहे सो so उस ग्लोइंग स्किन को अचीव करने के लिए हम पार्लर जाते हैं मेकअप कराते हैं स्किन केयर कराते हैं बहुत सारे फेशियल्स वगैरह काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स में हम बहुत पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप वही सारा ग्लो वही फेशियल ट्रीटमेंट्स को वही पार्लर लाइक -like जो सर्विसेज है वो घर पर पा सकते हैं देन आप क्या कहेंगे राइट right. uh, आपको बिलीव नहीं होगा बट येस yes, आप घर पर ही वो फेशियल वाला ग्लो अचीव कर सकते हैं आई एम ऑर्डर्ड अ प्रोडक्ट फ्रॉम एमेजॉन जो कि एक स्किन स्क्रबर है यानी कि जिससे आप अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं अपनी फेस की मसाज कर सकते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स आपको मिलते हैं जो आपके फेशियल मसल्स को टाइटन करता है आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है एंड फाइन लाइन ऑन ब्रिंकल्स को आने से रोकता है तो मैं ना इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही थी ये है अगारो का स्किन स्क्रबर जो कि एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिससे आप अपनी स्किन को स्क्रब कर सकते हैं अपनी डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर सकते हैं इसके अंदर आपको ये स्टेनलेस स्टील की स्पैचुला मिलती है जो कुछ हल्का सा टिलड इसका डिज़ाइन है एंड ये बैटरी ये चार्जिंग ऑपरेटेड है यहाँ पर ये यू एस बी दिया हुआ है इसके साथ इसकी ये पैकेजिंग है इसके साथ ये यू केबल भी मिलती है और जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं ये यू केबल इसके साथ मुझे मिली है एंड ऑल्सो ये कुछ ये स्क्रबिंग हेड्स हमको मिलते हैं जिससे हम अपनी इसको स्पैचुला के ऊपर प्लेस करके लाइक दिस इससे अपनी स्किन को स्क्रब कर सकते हैं इस तरह से हम इसको इसको पूरा इसे कवर करके और स्क्रबर की हेल्प से अपनी स्किन को स्क्रब कर सकते हैं सो so, जिससे हमारी स्किन हमारे फेस की जितनी भी डेड स्किन सेल्स है जितनी भी डर्ट है वो सारी निकल जाएगी सो बेसिकली ऑपरेट कैसे करता है मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैकेजिंग तो मुझे बहुत ही क्लासी लग रही है एंड द कलर इज ऑफ वाइट सो इट्स एंड नाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए आपको चार्जिंग पर लगाना है जब ये चार्ज हो जाएगा देन आपको इसका पावर बटन दो सेकंड के लिए प्रेस करना है तब ये सारी लाइट्स चल जाएंगी यानी कि ऑन हो चुका है तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको पहला मोड ऑन करना है एक बार प्रेस करना है तो क्लेंजिंग स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड प्रेस करना है तो लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से अगर आप प्रेस करेंगे तो तीसरा मोड आयन प्लस स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से आप एक बार प्रेस करेंगे तो लास्ट वाला आयन नेगेटिव मोड स्टार्ट हो जाएगा सो so, इस प्रोसेस से आप इसे बंद करना है तो दो सेकंड के लिए दोबारा प्रेस करेंगे एंड नाउ इसको मैं यूज़ करके बताती हूँ कि मैं अपनी स्किन को क्लेंस कैसे कर रही हूँ इस प्रोडक्ट को यूज़ करके ये डीप एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को पोर्स को क्लीन करता है मैं आ, कोई भी स्क्रब आप यूज़ कर लीजिएगा मैं सेंट आइव्स का स्क्रब यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए मैंने जिस स्क्रब को अप्लाई कर लिया है और मैं इस स्किन स्क्रबर की हेल्प से इसके ऊपर जो इसका स्क्रबर जो ये कवर दिया गया था इसकी हेल्प से मैं अपनी स्किन को स्क्रब कर रही हूँ इससे जो है आपकी पोर्स की डीप क्लीनिंग होती है आपकी स्किन को हार्म भी नहीं होता एज़ वेल एज़ आपकी जो जो स्किन है डेड स्किन सेल्स है वो भी आपके फेस से पूरी तरह से निकल जाती है तो इससे डबल बेनिफिट है एक तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको जस्ट इसको हल्के हल्के हाथों से रिमूव करते रहना अपने पूरे फेस पे अपनी नेक एरिया पे और ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है बिकॉज इसमें ऑलरेडी वाइब्रेशंस होती रहती हैं सेकेंड मोड आता है जो मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ क्लेंजिंग हो चुकी है अब मैं लिफ्टिंग मोड ऑन कर लिया है मैंने दोबारा प्रेस करके और मैं अपवर्ड मोशन में अपने फेस की मसाज करूँगी इससे जस्ट मैं हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल भी आपको अपनी स्किन में हार्श नहीं होना है अदरवाइज आपकी स्किन में रेडनेस आ जाएगी और एक्ने और ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम आ जाएगी और हाँ जिनको भी एक्ने या ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम है वो इस प्रोसेस को ना ही फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज उनके पिंपल जो है वो इरीटेट हो सकते हैं एंड उनको और भी ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन देखनी पड़ सकती है सो so, मैं इसको अपने पूरे फेस पे पूरे नेक एरिया पे अच्छे से मसाज कर लूँगी नाउ यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस मेरी स्किन पहले से कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और हाइड्रेटेड फील हो रही है नेक्स्ट मूड आता है आयन पॉजिटिव मोड दोबारा से आपको एक बार प्रेस करना है तो आयन पॉजिटिव की लाइट जल जाएगी एंड मैं इस बार अप्लाई कर रही हूँ अपना फ़ेस सीरम आप कोई भी फेस सीरम या फेशियल ऑयल अप्लाई कर सकते हैं जिस जो भी आपको अच्छा लगे मैं अपने स्किन केयर में फ़ेस ऑयल अप्लाई करती हूँ तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ एंड ओजोन का ये फेशियल ऑयल मैं ले रही हूँ वही मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है सो so, उसके बाद मैं ऑन कर लिया था मैंने ऑन पॉजिटिव मोड तो उसी से सेम अपवर्ड मोशंस में अपने फेस की पूरे फेस की और नेक की मैं मसाज करूँगी इससे क्या होता है आपका फेस जो है वो हाइड्रेटेड रहता है और आपके फेस में एक इनर ग्लो प्रोवाइड होता है जितने भी प्रोडक्ट आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पे वो सारे आपके स्किन के अंदर डीप डाउन पेनीट्रेट हो जाते हैं जिससे उनकी गुडनेस आपकी स्किन को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलती है अगर आप बिना मसाज के इन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करेंगे तो उतने अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होते आपकी स्किन में फास्ट मोड जो है आई नेगेटिव मोड वो मैंने ऑन कर लिया है एंड उससे पहले मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ अपने फेवरेट मॉइस्चराइज़र आप कोई भी ले सकते हैं मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली निया केयर्स का मॉइस्चराइजिंग जेल जो कि लाइट वेट होने के साथ साथ बहुत हाइड्रेटिंग भी है और मेरी स्किन को सूट भी करता है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है मैं प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं तो सबसे पहले जो मैंने आयन नेगेटिव मोड ऑन कर लिया था जो लास्ट मोड है इसका एंड मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद इसको अपवर्ड मोशन में अपने फेस पर रोटेट करना शुरू कर दिया आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करनी है जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर वाइब्रेशंस होती रहती हैं जिससे आप ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपकी जितनी भी फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है व्रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके फेस में एक इनर ग्लो आपको देखने को मिलेगा आप इसे वीक में तीन से चार बार कंटिन्यू कर सकते हैं रोज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है वीक में अगर आप तीन दिन में कर लेंगे तो इस इट्स इनफ एंड रेगुलर बेसिस पे अगर आप सुबह शाम करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है आपको दिन में सिर्फ एक ही बार इसको यूज़ करना एंड आई पर्सनली लव द रिज़ल्ट मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग और हाइड्रेटेड फील हो रही थी इस पूरे स्किन केयर रूटीन को यूज़ करने के बाद तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले आप वीडियो लाइक नहीं करते यार मुझे पता नहीं चलता कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है बुरी लग रही है अच्छी लग रही है तो थम्स अप देके जाओ नहीं लग रही तो थम्स डाउन तो देके जाओ पता तो चले यार कि मैं मेहनत कर क्यों रही हूँ मैं मतलब वीडियोज तो अच्छी बनाती भी हूँ कि नहीं और हाँ मेरा जो नाइन्टी फाइव परसेंट जो वॉच टाइम आता है ना वो नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना यार क्या ही जाता है आपके कौन से पैसे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड yeah, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिले लव यू ऑल